शिक्षक साथियों नमस्कार, मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सक्षमता परीक्षा देने अथवा न देने तथा सक्षमता परीक्षा देने के बाद वेतन क्या होगा, इस पर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए वीडियो के अगले भाग में यह जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा देने के बाद वेतन किसको कितना मिलने वाला है तथा जो लोग सक्षमता परीक्षा किसी भी चरण में नहीं देंगे उनके साथ क्या होने वाला है। सक्षमता पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो वेतन घटेगा कि बढ़ेगा, मैं सार संक्षेप में बात बता रहा हूँ। जो लोग 2017 से 2019 में नियोजित शिक्षक के पद पर योगदान किए हैं उनके मूल वेतन में 6000 रुपए तक की वृद्धि होगी। 2019 तक वाले जी, जो लोग 2012 से लेकर के 17 के बीच में योगदान किए हैं उनके मूल वेतन में 2000 रुपए से लेकर के और 3500 रुपए तक की वृद्धि हो सकती है। अच्छा। और जो लोग 2003 से लेके और 2006 तक हैं उनको 300 रुपया से लेकर के 250 रुपया तक की मूल वेतन में वृद्धि हो रही है। ये नियमावली का आधार किसके हिसाब से? जो फिटमेंट फैक्टर है उसको देख करके मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और बच गए बीच में 2008 से लेके 2010 वाले, तो उनको भी न्यूनतम 2000 से 2100 रुपए की वृद्धि होगी। ठीक है। अब अगर इतना बात समझ गए आप तो आप ये जान सकते हैं कि 2003, 2004, 2005, 2006 तक के हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनको इससे कहां परेशानी हो रही होगी, पहली बात। दूसरा चीज आपने जो पूछा है उसका फिर मैं उत्तर दोहरा रहा हूं कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आप जितना वेतन पा रहे हैं उससे 1 रुपया भी कम वेतन आपका नहीं बनेगा। तो बात को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश भी कीजिए, ठीक ना? जी जी। सरकार ने अपने नियमावली में ये लिखा था कि हम सक्षमता परीक्षा का 2 बार 3 बार 4 बार या 5 बार जो भी लिखा था आयोजन करेंगे और उस सक्षमता परीक्षा में जो लोग उत्तीर्ण नहीं होंगे उनका फ्यूचर, उनका भविष्य जो है 4 सदस्यीय आईएएस की कमेटी के ऊपर निर्भर करेगा। इस लाइन में बिंदु जो 4 है जिसको कोर्ट ने इंगित किया, इसमें एक बात ये भी लिखा गया था कि हम 5 बार तक परीक्षा करा देंगे। मैंने नियमावली में नहीं है, कोर्ट में जो पेपर दिया गया है उसमें कहा गया था, लेकिन उस बिंदु 4 को जब कोर्ट ने खारिज किया, कहा कि ये गलत है, तो वो सरकार के द्वारा लिखा गया वो सारा चीज खारिज हुआ। खाली यही खारिज नहीं हुआ कि जो लोग परीक्षा नहीं देंगे या फेल कर जाएंगे उनकी सेवा समाप्ति का के बारे में जो कमेटी निर्णय देगी उस पर विचार किया जाएगा, केवल यही बात नहीं खारिज हुई, साथ साथ ये भी खारिज हो गया कि हम 2-3 बार से अधिक परीक्षा कराएंगे। ठीक है। गौर करने की बात है, केवल वो ही मांग खारिज नहीं हुई, वही चीज खारिज नहीं हुआ, उस बिंदु में था सब खारिज हो गया, उस बिंदु में जो जो लिखा था वो सब खारिज हो गया, खत्म हुआ। ठीक है। इसका परिणाम रिजल्ट ये हुआ कि 3 बार से अधिक सरकार को परीक्षा कराने के लिए अब आप कोर्ट से भी दबाव नहीं बनवा सकते हैं। ये सरकार की कल्याणकारी उदारकारी नीति पर निर्भर करेगा कि 3 बार के बाद वो परीक्षा कराएगी कि नहीं कराएगी। अभी तक जो पता चल रहा है उसके अनुसार सरकार 3 बार से अधिक परीक्षा नहीं कराएगी। अब आपने पूछा है हमसे कि जो परीक्षा दे दिए हैं नहीं ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। आप एक चीज जान लीजिए, पहली दूसरी तीसरी परीक्षा, पहली सक्षमता दूसरी सक्षमता और तीसरी सक्षमता का जल्दी होने का कारण क्या है? इसका सही और सटीक उत्तर यही है कि अगर आप अपने को ही लीजिए, मान लीजिए आपने प्रथम बार सक्षमता परीक्षा नहीं दिया, दूसरे बार भी आपने नहीं दिया या दिए तो फेल हो गए या ज्वाइने करने नहीं गए, काउंसलिंग कराने नहीं गए, फिर आप तीसरे बार
अभी परीक्षा नहीं हुई है और सरकार का मन है ट्रांसफर करने का, आपको कैसे ट्रांसफर करेगी? आपके पास तो 3 बार तक अपने पद पर जहाँ है जिस स्थान पर वहाँ बने रहने का ऑप्शन है, क्योंकि उसने ही आपको अधिकार दे रखा है कि आप परीक्षा दे के स्वेच्छा से 3 गो अपना निजी विकल्प मांग सकते हैं जहाँ की आप जाना चाहते हैं। तो उस अधिकार से आपको कैसे वंचित कर सकती है? वह तब तक वंचित नहीं कर सकती है जब तक तीनों अटेम्प्ट खत्म ना हो जाए, यानी 3 बार सरकार के द्वारा जब तक परीक्षा आयोजित नहीं कराई जा सकती है तब तक आप बादशाह हैं, आप सही हैं, आपका सारा नियम कानून सरकार के आगे ऊंचा है। आप बने रहिए अपने पद पर, न काउंसलिंग कराने जाइए और नहीं परीक्षा दीजिए। लेकिन जिस दिन तीसरी परीक्षा का आयोजन हो चुका होगा उसके अगले दिन आप अपने उस पद पर नहीं रह पाइएगा, क्योंकि सरकार एनी हाउ किसी भी कीमत पर आपको अपने उस स्थान पर नहीं रहने देगी जहां पर आप नियोजित के रूप में कह रहे हैं कि हम सक्षमता नहीं देंगे और नियोजित के ही नौकरी करेंगे, क्योंकि आप अपने तरह के अकेले नहीं है, आपके तरह के राज्य में और भी लोग हैं। तो जो और आपके तरह के राज्य में लोग हैं उनको आपके जगह पर और आपको उनके जगह पर भेजेगी गवर्नमेंट, ये निश्चित है। तो नियोजन इकाई से बाहर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए कि नियोजन इकाई साइलेंट हो गई, नियोजन इकाई को साइलेंट कर दिया गया, मृत प्राय हो गई। नियोजन इकाई से सारे जो नियोजित पद थे स्कूलों में वो सारे पद सरकार ने प्रत्यार्पण करवा लिया, वापस ले लिया। स्टेट में समझिए जो अधिकार नियोजन इकाई को पंचायती राज व्यवस्था के तहत दिया था सन 1976 का एक्ट का हवाला दे करके, संविधान के 73वें, नहीं सन में गलत बोल रहा हूँ, शायद संविधान का 73वां संशोधन जिसमें पंचायती राज इकाइयों को बढ़ावा देने की बात की गई थी, उसका हवाला देके जो अधिकार दिया गया था कि उनको बलवती हम बनाएंगे, उनको अधिकार देंगे, उसको वापस ले लिया। अब उनके पास ये अधिकार नहीं रहा कि वो नियोजन इकाई के रूप में विद्यालय में शिक्षक के रूप में किसी को नियोजित कर सकेंगे। ये बात 2019 में ही समाप्त कर दिया था सरकार ने, क्योंकि जो 2019 में नियोजन हुआ उसके बाद सरकार ने कहा कि अब हम नियोजन करवे नहीं करेंगे, अब हम जो भी करेंगे वो जिला स्तर के जिला कैडर पर भर्ती करेंगे जिसका संपूर्ण प्राधिकार राज्य सरकार के पास होगा, जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी के पास होगा अधिकार, न कि नियोजन इकाई के पास होगा। इसका प्रमाण बता रहा हूँ, यदि वह पद नियोजन इकाई के पास रहे होते तो जो अभी 48,000 या कुछ समथिंग का पद निकला है प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक के रूप में, वह पद सरकार नहीं निकाली होती। उस पद पर भर्ती करने के लिए अधिकार नियोजन इकाई ने विज्ञापन नहीं निकाला है, सरकार ने निकाला है। मतलब कि वही सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में कही थी कि हमारे यहाँ रेगुलर माने असिस्टेंट टीचर का पद डाइंग है और अब हमारे यहाँ नियोजित ही रहेंगे, उसी सरकार ने अपना पाला बदल दिया और पाला बदल के अब कह रही है कि अब हम नियोजित भी नहीं रखेंगे, अब हम फिर से नया विद्यालय अध्यापक के नाम पर विद्यालय अध्यापक नाम से नए बीपीएससी जैसी संस्था से परीक्षा करा करके और उन लोगों को विद्यालय अध्यापक के पद पर रखेंगे। मतलब नियोजित का पद ही नहीं है अब।